Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. आज हम करेंगे क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. देखिए हम अभी तक इस बुक से 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें से एक चैप्टर जो ईश्वरन दी स्टोरी टेलर था वो इस सेशन के लिए कट है तो वो नहीं करवाया गया है. रेस्ट उसके अलावा बाकी 3 चैप्टर्स करवाए गए हैं. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड की गई हैं एंड समरीज भी प्रोवाइड की गई हैं. सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5. तो देखते हैं कि ये जो हैप्पी प्रिंस वाला चैप्टर है इसमें हमें क्या बता रखा है. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू. देखो स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति. तो हैप्पी प्रिंस जो है वो कौन था, वो एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, सोने से ये कवर्ड था, सोने की इस पर परत चढ़ी हुई थी. ही हैड शफायर्स फॉर आईज. अब ये शफायर्स क्या होते हैं, देखो ये हम लोगों ने सुना होगा ना, कई कलरफुल स्टोन्स होते हैं, हीरा पन्ना इस तरीके से. तो ये एक शफायर जो है वो एक नीलम नाम का पत्थर होता है ना, बहुत ही प्रेशियस स्टोन, तो वो नीलम उसकी आंखों में जड़े हुए थे. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार. तो स्वॉर्ड में उसकी रूबी क्या होता है, रूबी भी एक रेड कलर्ड का ज्वेल है, डायमंड है सॉर्ट ऑफ, तो वो उसकी तलवार पर जड़ा हुआ था, लगा हुआ था. Why did he want to part with? To part with करने का मतलब क्या होता है? To part with करने का मतलब होता है कि अपने आप से एक तरीके से अलग कर देना. यहां पर मतलब बनता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना. Why did he want to distribute? क्यों वो अपने ये जो कीमती डायमंड्स या प्रेशियस स्टोन्स उसकी मूर्ति में जड़े हुए थे, वो सब उनसे दूर क्यों हो जाना चाहता था, मतलब वो क्यों चाहता था कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये बट जाए. टू पार्ट विद ऑल दी गोल्ड दैट ही हैड, जो भी सोना उसके पास था, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा ना कि वो गोल्ड की परत उस पर चढ़ी हुई थी, तो वो गोल्ड से भी और अपने प्रेशियस स्टोन्स से भी, मतलब जो कीमती पत्थर जड़े हुए थे, वो उन सब से भी दूर हो जाना चाहता था, उन्हें भी बांट देना चाहता था. तो देखते हैं कि क्यों हमारी ये स्टोरी इसी क्यों के इर्द गिर्द घूमती है. देखिए लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम. टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा या ऊंचा, और कॉलम का मतलब यहां पर है पिलर. कॉलम क्या होता है, जो इस तरह की शेप में हो, इस तरह से पिलर या स्तंभ होता है ना, तो इसलिए यहां पर टॉल कॉलम वर्ड यूज किया गया है. यहां आपको बताया जा रहा है कि शहर में सबसे ऊंची जगह पर एक लंबा सा पिलर बना हुआ था, वहां पर था स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वहां पर हैप्पी प्रिंस की, मतलब ऐसा प्रिंस जिसे नाम ही दिया गया था हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति वहां लगी हुई थी. ही वॉज गिल्डेड. गिल्डेड का मतलब कवर्ड. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सोने की पतली और सुंदर सी परत चढ़ी हुई थी उसकी स्टैचू पर. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट शफायर्स, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसकी आंखों में नीलम नामक प्रेशियस स्टोन जड़े हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. और उसकी जो तलवार थी उसकी हिल्ट पर, मतलब ये देखो जहां से तलवार को पकड़ा जाता होता है ना, जहां से म्यान में से तलवार को निकाला जाता होता है, तो देखो यहां पर एक रूबी यानी कि रेड कलर का जो ज्वेल था वो लगा हुआ था, जो कि काफी ग्लो करता था, चमकता था. आगे देखिए क्या है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर दी सिटी अ लिटिल स्वेलो. देखो यहां अगर आपने ध्यान से फोटोग्राफ में देखा हो तो इस फोटोग्राफ, मतलब इस स्टैचू के साथ ये एक पक्षी आपको दिख रहा है, तो यहां पर और कुछ नहीं है, ये लिटिल स्वेलो. स्वेलो इज अ सॉर्ट ऑफ अ बर्ड, ये एक चिड़िया है. तो यहां पर आपको कहा गया है कि एक रात सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही थी. हिज फ्रेंड्स had gone away to Egypt,
सिक्स वीक्स बिफोर, उसके जो मित्र थे वो इजिप्ट चले गए थे, जिसे आपने हिंदी में अगर सुना हो तो मिस्र देश कहा जाता होता है, तो इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और फिर उसने भी ये निर्णय लिया था, ये डिसाइड किया था कि वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, तो वो सारा दिन उड़ता रहा, एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के वक्त वो कहाँ आ गया, वो उस शहर में आ गया। वेयर शेल आई पुटअप, अब देखो पुटअप का मतलब क्या होता है, ये ना कुछ फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, तो पुटअप का मतलब होता है स्टे, कि मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ पर अपनी रात व्यतीत करूंगा। ही सेड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशंस, तो अब देखो उसने अपने आप से ही बात करते हुए क्या कहा, कि मैं उम्मीद करता हूं कि शहर ने कोई ना कोई इंतजाम तो मेरे लिए जरूर किया होगा, मतलब कोई तो ऐसी जगह शहर में जरूर होगी जहां पर मैं रह सकता हूं। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, कॉलम का मतलब अभी अभी हमने ऊपर समझा है, पिलर बोलते हैं इसे, तो उसने फिर क्या देखा, उसकी निगाह, उसकी नजर एकदम वो लंबे से पिलर की तरफ गई जहां पर वो स्टैचू था, ठीक है। आई विल पुट अप देयर, अब फिर से पुट अप है, तो आई विल स्टे देयर, कि मैं यहां रुकूंगा, ही क्राइड, वो चिल्लाकर बोला, इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि हाई अबव द सिटी था, क्योंकि शहर में सबसे ऊंचा था, तो इसलिए उसने क्या कहा कि ये सबसे फाइन है, मतलब ये सबसे सही जगह है, यहां पर मुझे अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ताजी हवा मिलेगी, तो ये सबसे बढ़िया जगह है रुकने के लिए। सो ही alighted just between the feet of the happy prince, तो ये इस स्टैचू की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि वो उसने अपने रहने के लिए जो जगह, मतलब एक तरीके से जो टाइम व्यतीत करने के लिए जगह बनाई अपने लिए, वो कौन सी थी, ये जो स्टैचू है इसके बिल्कुल यहां, ये पैरों में उसने अपने आप को एक तरीके से फिट कर लिया, ठीक है। अब देखो अब वो क्या कहता है, I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टैचू था वो गोल्ड से, इस पर सोने का की परत चढ़ी हुई थी, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास आज जो मेरा बेडरूम है वो गोल्डन है, सोने का है, ठीक है। जैसे ही उसने आसपास अपने इर्द गिर्द नजर घुमाकर देखी, तो उसकी तरफ, तो जब वो यहां पर था तो उसकी तरफ तो ये स्टैचू था, और स्टैचू गोल्ड से कवर्ड था। आगे क्या हुआ, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वॉटर फेल ऑन हिम, अगर आपने ध्यान से किसी पक्षी को देखा हो तो वो किस तरह से सोते हैं, वो अपने पंख को अपने ऊपर, मतलब अपने पंखों में अपना मुख ढक कर फिर सोते होते हैं, तो उसने क्या किया, उसने भी ऐसा ही किया, वो अपना हेड जो है वो अपनी विंग्स से कवर करने वाला था, लेकिन सडनली एक पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, मतलब अब एकदम वो अचानक से उठा एक तरीके से, मतलब क्राई, चिल्लाया और क्या कहा कि ये क्या अजीब बात है, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में किसी तरह का भी कोई भी बादल नहीं है, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो चमक रहे हैं। ऐसा ही होता है ना कि जब बारिश का मौसम हो तब क्या होता है कि तारे जो हैं, हम कहते हैं कि तारे छुप गए हैं और बादल है, तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि आकाश तो बिल्कुल साफ है, तारे भी नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं, एंड येट इट इज रेनिंग, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दोबारा से एक और बूंद गिरी। वट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, अब फिर से वो अपने आप से बात करते हुए ही वो क्या बोला, उसने कहा कि इस मूर्ति का क्या फायदा अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकती है, तो आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, अब होता है ना चिमनी पॉट्स लगे होते हैं ना घर में, कई बार देखे ना किचन में चिमनीज लगी हुई होती हैं, तो उनकी फर्नेंस वगैरह, मतलब गैस के ऊपर चिमनी लगी हुई होती है ना, तो वो बाहर अटैच होती है ना कि जो धुआं है वो बाहर जाए, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर वो, सिंपल सी बात, यहां पर वो ऐसी जगह की बात कर रहा है कि कह रहा है कि मुझे ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहां से मैं बारिश से बच सकूं।
एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, ठीक है, और मतलब उसने निश्चय कर लिया था कि वो अब उड़कर यहां से जाने वाला है. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख फैला पाता उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद फिर से गिरी. एंड ही लुक्ड अप, और फिर उसने ऊपर देखा. एंड सॉ, और देखा. अब देखो, देखते हुए ये क्या, ये एक एहसास है उसका जो हमें यहां पर बताया जा रहा है. आह, व्हाट डिड ही सी, मतलब देखो वो अचानक उसने क्या देखा, कि वो क्या देखता है. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. देखो, था तो वो एक स्टैचू, यहां पर हमारे लिए, हमारे पास एक स्टैचू का जिक्र है कि हैप्पी प्रिंस नाम का जो स्टैचू था, आगे हमें पता चलेगा ये कैसे है, क्यों है. तो जो हैप्पी प्रिंस नाम का स्टैचू था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक, सब क्योंकि वो सोने की परत से बना हुआ था, सोने से बना हुआ था, तो इसलिए उसकी सुनहरी गालों से पानी जो है, मतलब एक तरीके से आंसू जो है, आंखों से पानी जो है वो बह रहा था. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन दी मून लाइट दैट दी लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी. अब उस रात चंद्रमा की रोशनी में उसका जो सुनहरी चेहरा था वो इतना सुंदर लग रहा था कि जो छोटी सी वो चिड़िया थी उससे दया आ गई. ठीक है, हु आर यू ही आस्क्ड, और उसने बहुत ही दया तरीके से, विनम्र तरीके से पूछा कि तुम कौन हो. उसने कहा आई एम द हैप्पी प्रिंस, कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूं. वाई आर यू वीपिंग देन, अब देखो नाम हैप्पी है लेकिन वो रो रहा था. तो आस्क्ड दी स्वेलो, तो स्वेलो ने क्या पूछा, यानी कि चिड़िया ने क्या पूछा कि फिर तुम रो क्यों रहे हो. देन यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. अब देखो बहुत ही ध्यान से, ड्रेंच्ड का मतलब तो होता है कि गीला करना. अब आंसुओं की वजह से वो चिड़िया गीली होगी. ठीक है, क्वाइट देखो यहां पर कौन सा क्वाइट है. मैंने एक दो बार पहले भी शायद आपको बताया होगा कि क्वाइट का मतलब, अगर ये ई यहां की बजाय यहां हो तो उसका मतलब शांत वाला क्वाइट होता है, लेकिन इस वाले क्वाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरा. तो यहां है कि तुमने तो मुझे पूरा का पूरा गीला कर दिया है. When I was alive, अब यहां पर हैप्पी प्रिंस की स्टोरी है कि जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास भी इंसानी दिल था. आंसर्ड दी स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया. आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन दी पैलेस, देखो बहुत ही ध्यान से, जब इस तरह से कॉमा लगाकर और फॉर लिखा हुआ हो तो इसकी सेंस बिकॉज वाली बनती होती है. तो यहां पर आपको क्या क्या आ जा रहा है, बिकॉज आई लिव्ड इन दी पैलेस, क्योंकि मैं राजमहल में रहा करता था, इसलिए मुझे. एंड वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, सोरो का मतलब क्या होता है, सोरो का मतलब दुख होता है, तकलीफ होता है. तो वो ये कहता है कि जब मैं राजमहल में रहा करता था, जब मैं जिंदा हुआ करता था, तो वहां पर तो किसी तरह का कोई दुख तकलीफ अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता था, तो मुझे आंसुओं का मतलब ही नहीं पता था. माई कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब क्या होता है, दरबारी, कॉल्ड मी दी हैप्पी प्रिंस, और वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, अब उसने क्या कहा, और रियली मैं बहुत हैप्पी हुआ करता था उस वक्त. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, यहां सो का मतलब हैप्पी से ही है, कि हैप्पीली आई लिव्ड एंड हैप्पीली आई डाइड. ठीक है, मतलब जिंदा रहा, मरा, लेकिन उसने किसी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं देखा. आगे क्या है, एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब क्योंकि मैं मर चुका हूं, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी दी अगलीनेस एंड ऑल दी मिजरी ऑफ माई सिटी, ऑल दी मिजरी ऑफ माई सिटी. तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, यहां पर वो ये कह रहा है, और क्योंकि अब मैं मर चुका हूं और मुझे एक स्तंभ के रूप में, एक स्टैचू के रूप में, सॉरी, एक स्टैचू के रूप में मुझे इस स्तंभ पर, पिल्लर पर इतना हाई सेट किया गया है कि मुझे अब अपने शहर की, अपनी सिटी की सारी अगलीनेस. अब अगली का मतलब क्या होता है, कुरूप,
ठीक है, बदसूरत, तो मतलब मुझे अपने शहर की एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें, सभी दुख तकलीफें, कुरूपता या गरीबी जो है वो सब मुझे दिखती हैं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, अब लेड का मतलब भी आपको पता है, ये एक धातु का नाम यहां पर आपको दे रखा है कि इस स्टैचू में उसका हार्ट जो है, दिल जो है, वो एक लेड का बनाया गया है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, मतलब अब यहां पर वो ये कह रहा है कि इस, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं, मतलब चाहे मेरे अंदर इंसानी दिल नहीं है लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं इस तरह की ये सिचुएशन देखकर, दुर्दशा देखकर मुझे रोना आ जाता है। आगे, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अब जो चिड़िया थी उसने अपने आप से फिर से बात करते हुए कहा, मतलब देखने पर बाहर से तो वो ये लग रहा था ना कि वो गोल्ड का बना हुआ है क्योंकि उस पर गोल्ड की परत चढ़ी हुई थी, तो उसने एक तरीके से ना बहुत ही हैरानी से, देखो यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन है व्हाट के बाद, कि क्या कि तुम पूरे के पूरे सॉलिड गोल्ड के नहीं बने हो, मतलब अंदर से लेड का बना होना बाहर से गोल्ड का होना तो ये तो गलत बात है ना। तो उसने फिर आगे क्या कहा, ही वॉज, अब आगे उसने कुछ कहा नहीं, आपको उसकी भी, उस चिड़िया की भी, अब देखो एक बहुत ही अच्छी बात आपको यहां बता रखी है, ही वॉज टू पोलाइट, कि वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी, इतना ज्यादा पोलाइट थी टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, मतलब उसने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया प्रिंस पर, उसने उसे ये नहीं कहा कि देखो तुम्हारे लोगों ने क्या किया कि तुम्हारा स्टैचू अगर बनाया है तो अंदर से तो लेड का बनाया है और बाहर से सिर्फ दिखाने के लिए गोल्ड का एक पानी चढ़ा दिया है या गोल्ड के पत्ते जो है वो लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि आगे फर्दर स्टोरी में क्या होता है। फार अवे, दूर, बहुत दूर, कॉन्टिन्यूड दी स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, मतलब एक तरीके से अब अपनी मीठी सी मधुर सी आवाज में जो वो स्टैचू है, जो वो मूर्ति है हैप्पी प्रिंस की, वो कॉन्टिन्यू करते हुए क्या बोलती है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, की बहुत दूर की एक छोटी सी गली में, स्ट्रीट मतलब गली होता है, तो छोटी सी गली में एक गरीब सा घर है। वन ऑफ दी विंडोज इज ओपन, एक खिड़की उनकी खुली है, एंड थ्रू इट, और वहां से आई कैन सी अ वुमेन सीटेड इट एट अ टेबल, मैं एक औरत को देख सकता हूं जो कि एक टेबल पर मतलब बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, शी एंड शी हैज अ कोरस रेड हैंड्स All pricked by the needle for, फिर से देखो कॉमा, फोर, शी इज अ seamstress। अब देखो यहां तक की लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहां वो क्या कह रहा है, कि एक लेडी थी, ठीक है, मैंने उसे देखा है खिड़की में से, और वो क्या कर रही है, कैसी है, उसका जो फेस है वो बहुत ही पतला सा है और एक तरीके से झुर्रियों वाला है, ठीक है, एंड शी हैज कोरस रेड हैंड्स, मतलब उसके हाथ जो है वो काफी भद्दे से हैं, खुरदरे से हैं, और उसके हाथ लाल हुए पड़े हैं, कैसे हुए हैं, क्योंकि उसके हाथों में सुइयां इतनी चुभी हैं, प्रिक मतलब चुभना, तो इतनी सुइयां उसके हाथों में चुभी हैं जिसकी वजह से उसके हाथ जो है वो लाल हुए पड़े हैं। फिर से कॉमा और फॉर, और मैंने आपको अभी अभी क्या बताया इसका क्या मतलब होता है, बिकॉज, तो बिकॉज शी इज अ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस का मतलब टेलर, की वो एक दर्जन है, ठीक है। शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, देखो कोर्ट बॉल होता है एक तरीके का बॉल डांस, यानी कि डांसिंग कॉम्पिटिशन सॉर्ट ऑफ, तो या डांसिंग पार्टी कह सकते हैं हम कॉम्पिटिशन की बजाय। तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि वो क्या काम कर रही है, वो महारानी की, क्वीन की, जो खास एक मित्र कह लो या मेड कह लो, मेड का मतलब हम कहते हैं कि जो खास दासी होती है, जो बिल्कुल महारानी के नजदीक रहती हो, तो यहां पर है कि उसके लिए सैटिन के गाउन पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, कढ़ाई से फूल बना रही है, ठीक है। अब कढ़ाई में आपको पता है कि सुई धागे का इस्तेमाल तो होगा, तो उसकी वजह से उसकी हाथों में इतनी ज्यादा वो सुइयां फिर चुभी हैं ये काम करते हुए कि उसके हाथ बहुत ही भद्दे और लाल हो गए हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, अब जो
हैप्पी प्रिंस है वो, और क्या बताता है चिड़िया को कि वहीं उसी कमरे में कॉर्नर में एक कोने में एक बेड है जिस पर उसका छोटा सा लड़का लाई हो रहा है, मतलब लेटा हुआ है, लेकिन वो कैसा है, इल है, बीमार है। ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माता से किस चीज की डिमांड कर रहा है, ऑरेंजेस की, संतरों की डिमांड कर रहा है कि मुझे संतरे ला कर दो। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, लेकिन उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, किसके सिवा, बट रिवर वाटर, बट का मतलब यहां पर लेकिन पानी के अलावा, मतलब नहर के पानी के अलावा और कुछ नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है, और ये सब देखकर हैप्पी प्रिंस भी रो रहा है। ठीक है, मतलब अब यहां पर अपनी बात ही की है एक तरीके से, क्योंकि उससे पूछा गया था ना हैप्पी प्रिंस से, स्वैलो ने, चिड़िया ने ये पूछा था ना कि तुम रो क्यों रहे हो, तो सो ही इज क्राइंग, इसलिए ये सब कुछ देखकर हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा था। तो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि वो देख रहा था, एट द टॉप था वो पिलर स्टैचू, तो इसलिए वो रो रहा था, ये सब कुछ देखकर, अगलीनेस देखकर वो रो रहा था। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, अब वो कह रहा है चिड़िया चिड़िया छोटी चिड़िया, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। अब मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि उसकी स्वॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से में एक तरीके से जहां से स्वॉर्ड को पकड़ा जाता है, शमशीर में से निकाला जाता है, तो रूबी जो वहां पर वो रेड कलर का एक तरीके से डायमंड जड़ा हुआ था, उसने उसे कहा कि क्या तुम वो मेरी स्वॉर्ड में से निकालकर उसे नहीं देकर आओगे। माई फीट आर फास्टेंड टू हिज पेडेस्टल, अगर आप लोगों को याद हो तो ये फास्टेंड वर्ड हमने एडवेंचर्स ऑफ टूटू में भी पढ़ा था, तो वो यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो मेरे पैर है ना वो इस पेडेस्टल, मतलब इस पिलर पर, पिलर के बेस पर, बेस ऑफ द पिलर, जिस पिलर पर, जिस स्तंभ पर उसकी स्टैचू को खड़ा किया गया था, मतलब मेरे पैर तो इस सीमेंटेड पिलर में जकड़े हुए हैं, आई कैन नॉट मूव, मैं हिल नहीं सकता हूं, क्या तुम मेरे बिहाफ पर ये रूबी को उन्हें पकड़ा कर आने वाला काम कर सकते हो या नहीं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेट दी स्वैलो, अब स्वैलो ने क्या जवाब दिया, स्वैलो ने कहा कि मतलब मेरा तो इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में, क्यों, क्योंकि उसके दोस्त गए हुए थे ना। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, देखो दिस इज द नेम ऑफ रिवर, तो वो यहां पे ये कह रहा है कि जो मेरे मित्र हैं वो तो नील नदी पर एक तरीके से उड़ रहे हैं ऊपर नीचे, एंड टॉकिंग टू दी लार्ज लोटस फ्लावर, और उस नदी में जो बड़े बड़े कमल के फूल हैं उनसे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। दी प्रिंस आस्क्ड दी स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो प्रिंस ने उसे एक तरीके से रिक्वेस्ट की है स्वैलो को, क्या कहा है कि एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ, मेरे मैसेंजर बन जाओ, मतलब मेरे एक तरीके से दूत बन जाओ, या मेरे संदेश को लेकर जाने वाले बन जाओ, संदेश वाहक बन जाओ। दी बॉय इज सो थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा है। एंड दी मदर सो सैड, और जो माँ है वो काफी उदास है। ही सेड, उसने कहा, तो उन दोनों का वास्ता देते हुए कहा कि तुम आज की रात रुक जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर दी स्वैलो, तो स्वैलो ने, चिड़िया ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो मिस्र जाना है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट दी हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट दी लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, तो अब यहां पर क्या हुआ कि लेकिन वो जो हैप्पी प्रिंस का चेहरा था वो इतना उदास दिख रहा था कि वो इतना उदास लग रहा था कि लिटिल स्वैलो जो था, मतलब वो छोटी चिड़िया जो है वो मना नहीं कर सकी, वो मना नहीं कर सका, वो उसे वहां रुकना पड़ा। इट इज वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, उसने कहा कि यहां बहुत ठंड है, बट लेकिन ही एग्रीड टू स्टे फॉर विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो वो राजी हो गया उसका काम करने के लिए, उसका मैसेंजर बनने के लिए, और एक रात वहां उसके साथ स्टे करने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड दी प्रिंस, तो प्रिंस ने उसका धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया। दी स्वेलो पिक्ड आउट दी ग्रेट रूबी फ्रॉम दी प्रिंस स्वॉर्ड, तो उसने तलवार में से वो रूबी निकाल लिया, पिक करना मतलब उठा लिया, एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक,
ओवर दी रूफ्स ऑफ दी टाउन, और उसे अपनी एक तरीके से चोंच में पकड़कर उड़ लिया, ठीक है, वहां से उड़ गया। और किस तरह से, कहां से जा रहा है, मतलब रूफ्स, रूफ का मतलब क्या होता है, छत। तुम एक तरीके से शहर के जितने भी घर थे उनकी छतों के ऊपर से वो उड़कर अपनी चोंच में रूबी पकड़कर वो निकल गया, ठीक है। अब कहां कहां कैसे कैसे गया, देखो ये बता रखा है आगे आपको, ही पास्ड बाय दी कैथेड्रल टावर, मतलब चर्च के ऊपर से वो गुजरा, वेयर दी व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहां पर सफेद मार्बल से बने हुए एंजल्स की फोटोग्राफ्स जो हैं वो लगी हुई थी, बनी हुई थी। देखा ना कभी चर्च के बाहर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, या जो कई बार क्रिश्चियन स्कूल्स भी होते हैं ना, तो वहां पर भी बाहर जो है मदर मैरी या जीसस क्राइस्ट की स्कल्पचर्स जो हैं, फोटोग्राफ्स या उनकी भी जैसे स्टैचूज हैं, मूर्तियां जो हैं वो बनी हुई होती हैं। तो ही पास्ड बाय दी पैलेस, फिर वो कहां से गुजरा, महल के पास से गुजरा, एंड हर्ड दी साउंड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने की आवाज आई, और देखा उसने कि एक ब्यूटीफुल गर्ल बाहर आई है बालकनी में विद हर लवर, ठीक है, मतलब अपने लवर के साथ वो बालकनी में बाहर आई है डांस करते हुए, और क्या कह रही है, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर दी स्टेट बॉल, मतलब एक तरीके से यहां पर उसी का जिक्र हो रहा है, या रानी का जिक्र हो रहा है, या उसकी मेड का जिक्र हो रहा है, क्योंकि फिर से यहां पर आपको स्टेट बॉल के बारे में, कि जो डांसिंग एक तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज की जानी थी, उसका जिक्र यहां पर हो रहा है, कि वो कह रही है कि हो सकता है कि मेरी, मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई होगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, देखो फिर से वही जिक्र आ गया ना, कि मैंने ये ऑर्डर दिया है कि उस पर फूलों की कढ़ाई की जाए, बट दी सीम्स ड्रेसेस, फिर से देखो, लेकिन जो टेलर हैं वो लेजी हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, ही पास्ड ओवर दी रिवर, नदी के ऊपर से गुजरा, एंड सॉ दी लैंटर्न्स, मतलब लालटेन टंगी हुई, हैंगिंग टंगी हुई देखी, कहां देखी, ऑन दी मास्ट, देखो मास्ट का मतलब क्या होता है, शिप, अगर जहाज, आपने कभी कार्टून्स पर भी अगर देखे हो तो बड़े बड़े पोल्स से होते हैं, तो पोल्स के ऊपर उसने लालटेन्स टंगी हुई देखी, ठीक है, लैंटर्न्स टंगी हुई देखी, लालटेने टंगी हुई देखी। एट लास्ट, तो अंत में ही केम टू दी पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुकड इन, तो वो उस गरीब महिला के घर पर पहुंच गया और देखा, दी बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, टॉसिंग का मतलब होता है रोल करना, मतलब करवटें बदलना, और फीवरिशली का मतलब होता है एक तरीके से कि बुखार की वजह से वो इतना रेस्टलेस हुआ पड़ा था, मतलब इतना ज्यादा परेशान था कि बार बार अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। एंड दी मदर हैड फॉलन एस्लीप कॉमा शी वॉज सो टायर्ड, बिकॉज शी वॉज सो टायर्ड, तो यहां पर आपको क्या बताया गया कि मां थक चुकी थी काम की वजह से और वो सो गई थी। आगे देखो क्या हुआ, इन ही हॉप्ड, अब ध्यान से देखो, इन का मतलब होता है यहां पर अंदर दाखिल होना, होपिंग, जो खरगोश होते हैं वो होप करते हैं, मतलब फुदकते हैं, तो इसका मतलब यहां पर है कि वो अंदर एकदम फुदक से फुदक कर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन दी टेबल बिसाइड द विमेन्स थिम्बल, थिम्बल का मतलब क्या होता है, देखो थिम्बल जो होता है ना, वो बेसिकली टेलर्स पहनते होते हैं अपनी उंगली में जब वो सुई धागे वाला काम करते हैं, ताकि सुई जो है ना वो उनकी उंगली पर चुभ ना जाए एक तरीके से, तो थिम्बल्स का यूज किया जाता होता है। तो यहां पर उसने क्या किया है, वुमेन का जो थिम्बल जहां पड़ा था उसके साथ ही वो रूबी उसने रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड दी बेड, तो वो बहुत ही जेंटली पोलाइट से मैनर से बेड के पास से उड़कर गया है, क्या करते हुए गया है, फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, मतलब उसने अपने विंग्स से बच्चे को, जो बॉय था, जो लड़का था, उसके माथे पर, मतलब एक तरीके से हवा दी है, फैन दी है विद हिज विंग्स, ठीक है, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, अब बॉय जो है वो बोला भी, क्या बोला, कि कितना ठंडा महसूस हो रहा है मुझे, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, देखो जब फीवर हो तो बॉडी गर्म होती है ना, तो यहां पर उसे ठंडक सी महसूस हुई, तो उससे ये लगा कि मैं बेटर हो रहा हूं, मुझे लगता है मैं ठीक हो रहा हूं। एंड ही sank into a delicious slumber, delicious का मतलब तो वैसे तो हम बोलते हैं कि स्वादिष्ट होता है, तो slumber यहां पर क्या मतलब है, यहां पर delicious slumber का मतलब है कि गहरी नींद में sank, डूब गया,
सैंक हो जाना मतलब डूब जाना, तो एक तरीके से बहुत ही गहरी मीठी सी नींद में वो डूब गया। देन दी स्वेलो फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस, अब जो स्वेलो था वो फिर से दोबारा से हैप्पी प्रिंस की तरफ वापस आ गया, एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन, और उसने बताया कि उसने क्या किया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, अब फिर से वो क्या कमेंट करते हुए क्या कहता है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है, मतलब इट इज क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ठंडक है लेकिन फिर भी मुझे अब वार्म सा मतलब एक तरीके से गर्म सा महसूस हो रहा है। आगे फर्दर देखो क्या हुआ, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, अब प्रिंस ने क्या कहा कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा कर्म किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन फील होती है, तो इसलिए तुम्हें ठंड नहीं अब महसूस हो रही। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक, और वो इस बात पर सोचने लग गया, एंड देन फेल एस्लीप, और सो गया। अब आगे उसका एक और क्या बात बता रखी है उसकी, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, कि सोचना हमेशा उसके लिए नींद लेकर आता था, कि जब भी वो सोचने लग जाता था तो वो सो जाया करता था। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हैप्पी प्रिंस ने जो पहला टास्क स्वेलो को यानी कि छोटी चिड़िया को दिया था वो कितना बेहतरीन तरीके से पूरा करके वो उसके पास वापिस आया था। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग जो पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।